दोस्तों, हम अक्सर अपने काम के सिलसिले में या फिर छुट्टियां मनाने के लिए जहाज का सफर पसंद करते हैं। यूं तो आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो जहाज का सफर सबसे सेफ माना जाता है, लेकिन आज भी जब पायलट कहता है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, हम खराब मौसम से गुजर रहे हैं, तो हमारे मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही जहाज की जो 200 से ज्यादा मुसाफिरों के साथ हवा में ही कहीं गायब हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आज के अपने इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ होगा। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं MS-370 की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च 2014 में मलेशियन फ्लाइट 370 अपने सफर के दौरान ही हवा में कहीं गायब हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको MS-370 के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप इससे पहले वाली हमारी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया होगा। कई लोगों को यह भी लगता है कि शायद किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से ऐसा हुआ होगा। ज्यादातर लोग पायलट को ब्लेम करते हैं कि उसकी लापरवाही से ऐसा हुआ था। लेकिन उस जहाज में उस रात ऐसा क्या हुआ कि राडार से गायब होने के बाद उसे ट्रेस नहीं किया जा सका, इसका पुख्ता जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। 8 मार्च 2014 रात के 12:35 पर इस जहाज ने बीजिंग के लिए उड़ान भरी। उड़ान से पहले सब कुछ सामान्य ही था। जब जहाज वियतनाम की एयर स्पेस में एंटर हुआ तो कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और पायलट के बीच ये बात हुई। मलेशियन 370 कांटेक्ट हो चुकी है 120.99 गुड नाइट मलेशियन 370। इस बातचीत में एक खास बात नोटिस की गई। प्रोटोकॉल के मुताबिक बातचीत के बाद फ्रीक्वेंसी पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन पायलट ने ऐसा नहीं किया। जहाज के वियतनाम एयर स्पेस में एंटर होने के मात्र 6 सेकंड बाद ही यह जहाज ATC टावर के राडार से गायब हो गया। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उस जहाज ने राडार से गायब होने के बाद एक छोटा राइट टर्न लिया और उसके बाद एक शार्प लेफ्ट टर्न लेकर वापस मलेशिया की ओर उड़ने लगा। ये लेफ्ट टर्न इतना शार्प था कि इसे ऑटो पायलट द्वारा अंजाम नहीं दिया जा सकता था। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि जो भी शख्स उस प्लेन को उड़ा रहा था उसी ने जहाज के ट्रांसपोंडर को ऑफ कर दिया था ताकि जहाज राडार से गायब हो जाए। उसने हर तरीके के कम्युनिकेशन को ऑफ कर दिया था, लेकिन एक ऐसा लिंक अभी भी मौजूद था जो शायद उस शख्स को परेशान कर रहा था। ये था जहाज का सैटेलाइट डेटा यूनिट। इस लिंक को वो कॉकपिट से ऑफ नहीं कर सकता था क्योंकि इसे ऑफ करने के लिए उसे जहाज के इस हिस्से में जाना पड़ता। शायद इसीलिए उसने प्लेन के पावर को ही ऑफ कर दिया। इस जानकारी से ऐसा लगा मानो जहाज को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया हो। लेकिन इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? अगर मकसद जहाज में बैठे लोगों को मारना ही था तो उसके लिए जहाज को इस तरह चोरी छुपे उड़ाने का क्या मतलब हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन के बाद टेररिस्ट वाले एंगल को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जहाज बहुत तेज स्पीड से उड़ता हुआ मलेशिया के पेनांग द्वीप से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलाका की तरफ बढ़ने लगा। जब जहाज पेनांग द्वीप के ऊपर से गुजरा तब फर्स्ट ऑफिसर का मोबाइल नीचे बने ग्राउंड टावर से कनेक्ट हो गया था। हालांकि उस दौरान फर्स्ट ऑफिसर ने किसी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि जहां यात्रियों को सलाह दी जाती है कि फ्लाइट के दौरान अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें, वहां फर्स्ट ऑफिसर का मोबाइल ऑन क्यों था? क्या फर्स्ट ऑफिसर किसी को कॉन्टैक्ट करके कुछ बताना चाहता था? और इतने सारे लोग जो जहाज में बैठे हुए थे उनके साथ क्या हुआ था? क्या वो लोग अब तक मारे जा चुके थे? अगर ये सच भी था तो इतने सारे लोग आखिर एक साथ कैसे मरे? बाद की जानकारियों से पता चला कि ये प्लेन सिविलियन राडार से गायब होने के बावजूद मलेशिया के मिलिट्री राडार पर दिख रहा था। लेकिन प्लेन उड़ाने वाले शख्स ने बहुत चालाकी से प्लेन को एक ऐसे रूट पर उड़ाया जिस रूट से फ्लाइट वेस्ट एशिया और यूरोप से आती जाती हैं। इस हिस्से में बहुत से देशों के मिलिट्री राडार एक्टिव होते हैं, लेकिन किसी को भी उस प्लेन पर कोई शक नहीं हुआ। वो शख्स सभी राडार ऑपरेटरों को ये जताने में कामयाब हो गया था कि वो यूरोप जाने वाली एक फ्लाइट है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद जहाज में फिर से पावर सप्लाई आ गई, जिससे जहाज का सैटेलाइट डेटा यूनिट फिर से एक्टिव हो गया। उसने इंडियन ओशन के ऊपर मंडरा रहे इनमारसेट सैटेलाइट को एक लॉग ऑन रिक्वेस्ट भेजा। सैटेलाइट ने लॉग ऑन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया और इसे अपने ग्राउंड स्टेशन पर ट्रांसमिट भी किया। इस तरह पहला लिंकअप पूरा हुआ।
ग्राउंड स्टेशन से दो बार जहाज से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। इस तरह जहाज का सैटेलाइट डेटा यूनिट हर बार सैटेलाइट को लॉग ऑन रिक्वेस्ट भेजता रहा, और इस तरह छोटे से लिंक की वजह से जहाज के अगले रूट का पता चल गया। सैटेलाइट से प्राप्त डेटा के एनालिसिस करने से पता चला कि इस जहाज ने इस पॉइंट पर आने के बाद फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया था और अगले 5 घंटों तक इसी डायरेक्शन में उड़ता रहा। जांच में एक खास बात का और पता चला, जिस समय यह टर्न लिया गया था उस समय कोई ना कोई शख्स जहाज के कॉकपिट पर मौजूद था और वो जिंदा भी था। इस तरह जहाज हर 1 घंटे में सैटेलाइट को लॉग ऑन रिक्वेस्ट भेजता रहा, और इस दौरान सैटेलाइट के ग्राउंड स्टेशन ने भी जहाज के कॉकपिट पर कई बार फोन कॉल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इस तरह ग्राउंड स्टेशन और जहाज के बीच हर घंटे होने वाले इस प्रोसेस को हैंडशेक कहा गया। इस तरह कुल 7 हैंडशेक हुए। 7वां हैंडशेक सुबह 8:19 पर हुआ, और इसके बाद 8वीं बार जब ग्राउंड स्टेशन से कॉल हुई तो ये कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। शायद अब तक जहाज समंदर में समा चुका था। जहाज के कुछ टुकड़े जब अफ्रीका महाद्वीप पे पाए गए तो उनकी जांच करने वाले अधिकारियों ने बताया कि जहाज पानी में इतनी तेजी से टकराया था कि जहाज के पर खच्चे उड़ गए होंगे। जहाज कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया होगा, और इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि टकराने से पहले उसमें कोई जिंदा बचा होगा। दोस्तों, अगर वाकई सभी यात्री अपने आखिरी पलों में जिंदा रहे होंगे तो वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा, जहां वो लोग हर पल अपनी मौत का इंतजार करते रहे होंगे। इस संबंध में बहुत सी जांच चली। सबसे महत्वपूर्ण जांच मलेशियन पुलिस ने की। जब उन्होंने जहारी के घर की जांच की तो उन्होंने पाया कि जहारी ने अपने फ्लाइट सिमुलेशन में वही रूट सेलेक्ट किया हुआ था जिस रूट पर MS-370 उड़ा था। लेकिन फिर भी मलेशियन सरकार ने इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अभी मलेशियन सरकार का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि जहाज किसी टेक्निकल खराबी की वजह से इंडियन ओशन में क्रैश हो गया। आखिर सच क्या है ये अब तक किसी के सामने नहीं आया। अगर मलेशियन सरकार को इस सच का पता है तो उन्हें इसे लोगों के सामने लाना चाहिए। उन यात्रियों के परिवारजनों का यह हक बनता है कि वे जानें कि उनके प्रियजनों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस प्लेन के साथ आखिर क्या हुआ होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, हम हर हफ्ते ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।